मथुरा में किसान गरीब मजदूर समिति के बैनर तले डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को लेकर गोस्वामी ने अपने सहयोगियों के साथ न केवल विरोध प्रदर्शन किया बल्कि राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही राज्यपाल से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की गई। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों से त्रस्त आम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से किसान गरीब मजदूर समिति की बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां पर नेपाल और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए बताया गया कि ये देश भी पेट्रोल को 57 से 60 के अंदर बेच रहे हैं, जबकि भारत में लगातार डीजल पेट्रोल और घरेलू गैस के दामों में निरंतर वृद्धि की जा रही है। इसका सीधा प्रभाव गरीब आम लोगों पर पड़ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी को, मोदी जी आप अपनी आंखें खोलिए। जो आपके अंदर कांचली से भर गया ना, जब शाप का सामन का महीना आता है तो वो कांचली से भर जाता है, उसे कुछ दिखता नहीं है, चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। आज स्थिति हो चुकी है कहीं 100 रुपये है, कहीं 100 से ऊपर भी है। और यहाँ पर पूरे देश में जो कि आज 62 रुपये बैरल का डॉलर का भाव है, बिकना चाहिए 37 रुपये, बिक रहा है कितना यहाँ पर 88 रुपये 56 पैसे, कहीं 100 रुपये, 31 रुपये कितना बढ़ा दिया उन्होंने, यानी एक्साइज ड्यूटी 18 दिन में गैस की 10 दिन की 10 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने, बैट 2.5 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने, किराया 3 रुपये 40 पैसे, कमीशन आखिर करेंगे क्या जब हमारे पड़ोसी राज्य हिंदुस्तान से लेते हैं वो लोग पेट्रोल और डीजल और गैस। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में किसान गरीब मजदूर समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया।